फुट ऑफ यात्रा अररिया प्रखंड के गर्ल्स आइडियल एकेडमी में पहुंची। आज अररिया प्रखंड के गर्ल्स आइडियल एकेडमी में टीको टॉक की यात्रा पहुंची। SNPO और नियमित टीकाकरण के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार यूनिसेफ इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स बिहार शाखा के द्वारा रेडियो मिर्ची के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 500 बच्चों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। अररिया जिलाधिकारी हिमांशु शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे का जीवन बचाने के लिए टीकाकरण बेहद जरूरी है। इसके लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन यह केवल स्वास्थ्य विभाग और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह माता पिता, अभिभावक और समाज की भी जिम्मेदारी है। सभी बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए संपूर्ण टीकाकरण करवाना अनिवार्य है। अररिया में 75% टीकाकरण होता है। हमारा लक्ष्य उसे 100% तक पहुंचाना है। इस अवसर पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार कश्यप ने कहा कि 15 जनवरी से सरकार एम आर जानी मिजल्स के साथ रुबैला के टीकाकरण की शुरुआत कर रही है। ये 9 महीने से लेकर 15 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त दिया जाएगा। यह अभियान विशेष तौर पर स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों पर लगाया जाएगा, ताकि रुबैला जैसे खतरनाक संक्रमण से ही बच्चों को बचाया जा सके। रुबैला का नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा तो आप लोग इसे याद करेंगे, रुबैला। मेरे साथ बोले रुबैला, रुबैला। ये रुबैला खसरा के तरह ही बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। रुबैला को जर्मन मिजिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्मन मिजिल्स। इसका एक तीसरा नाम भी है, इसे थ्री, रुबैला को थ्री डे मिजिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस। ये 15 जनवरी से खसरा के साथ सभी बच्चों को 9 महीने से 15 साल तक के, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, ये सभी बच्चों को आपके स्कूलों में भी लगाया जाएगा। एक ही सुई के साथ सभी बच्चों को लगाया जाएगा, जो एक सुई के साथ दो बीमारियों से रक्षा करेगी। मिजिल्स और रुबैला, ये दोनों बीमारियों को एक ही सुई के साथ आपकी रक्षा करेगी। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। अभी जादूगर जी ने आपको खसरा का दिखाया, ये किस तरह से दाने दाने उभर के चले आते हैं। इसी तरह के दाने बीमारी रुबैला में भी होते हैं, लेकिन ये रुबैला की बीमारी से माँ के गर्भ से बच्चों में ये बीमारी बच्चों में आती है। माँ के गर्भ में, जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जब तीन इससे बीमारियां होती है, बहुत रूपों में देखी जाती है। अंधापन, बहरापन, दिल की बीमारी, गर्भपात। और बच्चा अगर जीवित भी रह गया तो बच्चे का वजन कम होना, बच्चे में नाटापन, बच्चे की मंद बुद्धि, बच्चे का लीवर का कमजोर होना, बच्चे का स्प्लीन का कम होना, और भी बहुत तरह की बीमारी, छोटे उम्र में डायबिटीज की बीमारी होना, जिसकी बहुत बड़ी लंबी संख्या है। यानी कि बच्चे की जिंदगी, अगर बच्चा बच भी गया तो बच्चे की जिंदगी हमेशा के लिए बेकार हो जाती है। इतनी खतरनाक बीमारी होती है रुबैला। तो इन टीकों को लेना बहुत जरूरी है। और भी आपको लंबे में, जब आपके कक्षा में अगर हमको आने का अवसर मिला तो और भी आपको ज्यादा में बताऊंगा। तो 15 जनवरी से आपके स्कूल में 2 हफ्ता के लिए लगेगा, सभी बच्चों को लेना है, 10वीं कक्षा के छात्र से लेकर और नीचे के सभी, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सबों को लेनी है।
कहीं माँ सिर्फ माँ का दूध 6 महीने के बीच पिलाने से 20% बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। घर के बाहर एवं घर के अंदर प्रदूषण को कम करना संभव हो तो धुआं रहित चूल्हे का उपयोग करना चाहिए और घर में चिमनी का उपयोग करना चाहिए। बच्चे के बगल में धूम्रपान नहीं करना चाहिए क्योंकि धूम्रपान करने से बच्चे का निमोनिया कॉम्प्रोमाइज निमोनिया होने का चांस बहुत बढ़ जाता है, लंग कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तीसरा, जो ही आप बीमारी हो तो उसके लिए उपचार करना चाहिए, उपचार तुरंत करना चाहिए। 3 समय के चिल्ड्रेन आवर फ्यूचर, इस मुहिम में हम सबों को एक साथ उठ खड़े होने की जरूरत है। जय हिंद। बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक अवेयरनेस को लेकर के इस तरीके की मुहिम छेड़ी है। हम सब लोग अवगत हैं कि टीकाकरण जैसा भी पूरे प्रोग्राम में सभी बच्चों को हम लोगों ने जादू के माध्यम से या अन्य तरीके से बताने का प्रयास किया कि एक बच्चे का जीवन बचाने के लिए टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण। पूरा सरकार का जो महकमा है, स्वास्थ्य विभाग है, वो प्रयासरत रहता है कि बच्चों को सभी टीके समय पर लग जाएं। लेकिन हमारे ज़िले की स्थिति, अररिया ज़िले की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। लगातार प्रयास करने के बावजूद भी हम लोग देखे हैं कि 70-75% बच्चों को ही टीका लग पा रहा है, 25% बच्चे पूर्ण टीकाकरण होने से वंचित हैं। और पूर्ण टीकाकरण से मेरा तात्पर्य है कि जो पहला टीका, जैसा अभी आप लोगों ने देखा कि BCG का टीका जो पहला जन्म के समय टीका लगता है वो अपने यहाँ पर 90-95% बच्चों को लग जाता है। लेकिन उसके बाद जो 1.5 महीना पर, 2.5 महीना पर, 3.5 महीने पे, 9 महीने पे, 16 महीने पे जो टीका है वो छूटता है। पेंटावेलेंट का टीका जैसे आपने जाना, मीजल्स का टीका जो 9 महीने पे लगता है, और अभी तो एक सरकार ने एक नया टीका लॉन्च किया है जो मीजल्स के साथ साथ रूबेला MR टीका करके हम लोगों ने लॉन्च किया है, जनवरी से वो लगेगा सभी बच्चों को, जो 9 महीने से लेकर के 15 साल तक के सब बच्चों को हम लोग स्कूलों में टीका लगवाएंगे। मकसद ये है कि कोई टीका नहीं छूटे। सभी माताओं को, बहनों को मेरा यही एक आग्रह है, पिता जो पिता हैं सब उनसे मेरा आग्रह है, बड़े भाइयों से बहनों से आग्रह है कि अपने बच्चों को टीका जरूर लगवाएं। हर टीके की महत्ता है। एक टीका अगर 30% पहला टीका लगा तो 30% बच्चा सुरक्षित हो गया, दूसरी बार टीका लगा तो 50%, तीसरी बार लगा तो 60% बच्चा सुरक्षित हो गया। तो सारे टीके लगेंगे तभी हम बच्चों को 100% सुरक्षा दे पाएंगे। 5 साल तक टीके लगते हैं, हर टीका महत्वपूर्ण है। हम लोग टीका लगवाने की जिम्मेदारी समझें, ये जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की नहीं है सिर्फ, ये सभी माताओं की, पिता की, सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को हर टीका लगे। और ये कार्ड हम लोग देते हैं, कार्ड पे सब नोट रहता है कौन टीका लग गया कौन छूटा हुआ है। जो ANM दीदी है, आशा दीदी है, उनसे मिलना है, उनको बताना है कि हमको ये टीका लगा हुआ है, अब हमारा अगला टीका कब ड्यू है। तो हम लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, माताओं को, पिता को, सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, समाज को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हर बच्चे को टीका लगे। अन्यथा अभी जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 1,000 में 43 बच्चे मर जाते हैं, 43 बच्चों की मृत्यु होती है क्योंकि उनको समय पर टीका नहीं लगा। तो इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अभी हम लोग नया टीका जो लगाएंगे, मिजल्स रूबेला का MR टीका जो लॉन्च हो रहा है वो जनवरी से लगना शुरू हो जाएगा। सब स्कूलों में हम लोग बच्चों को टीकाकरण कराएंगे। तो 9 महीने से 15 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को टीका लगेगा। मैं यही अनुरोध करता हूँ कि सब लोग उसमें, सब बच्चों को हम लोग टीकाकरण करवा पाएँ, बच्चे अधिक से अधिक संख्या में स्कूलों में भाग लें। और हम लोग का मकसद है कोई बच्चा नहीं छूटना, क्योंकि ये पूरा एक इम्यूनिटी हम लोग डेवलप करना चाहते हैं, रूबेला को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। अभी हम लोग डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे तो डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि अपने देश में कम से कम 1 लाख के आसपास बच्चे हैं, 10,000 के आसपास बच्चे हैं जिनका अंधापन, मतलब अंधे हो जाते हैं क्योंकि उनको रूबेला का टीका नहीं लगा हुआ, तो बच्चे देख नहीं पाते हैं। तो हम लोग इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे पूरी विश्वास है कि सभी लोगों का हम लोग को सहयोग मिलेगा, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, आम जन हो, माता पिता हो, समाज में जितने जनप्रतिनिधि हैं सभी का सहयोग हम लोग वांछित मान के चल रहे हैं जिससे कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो। और हम लोग चाहते हैं कि अगले 1 वर्ष में, चूँकि प्रधानमंत्री जी का ये था कि 2018
कि दिसंबर तक हम लोग 90% बच्चों का टीकाकरण कर दें, मतलब 90% हम लोग अचीव कर दें। हम लोग अभी तक लगभग 75% पे हैं, थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लेकिन अगले 6 महीना 1 साल में अगर सब लोग मेहनत करेगा तो हम लोग अपना टारगेट जो है 90% बच्चों को टीकाकरण कर पाएंगे। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में दिए, स्कूल की जो टीम है उसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये स्थान उपलब्ध कराया इस टीम को। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं इस जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। डॉक्टर निरंजन कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स बिहार स्टेट ब्रांच, यूनिसेफ बिहार के सहयोग से प्रभावित जिलों में टीकू टॉक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रतिरक्षण का प्रतिशत 100% हो। इसमें खूबी यह है इस टीकू टॉक कार्यक्रम में जादू के माध्यम से हर टीके के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है, गार्जियन को बताया जा रहा है, जिससे कि उनके दिमाग पर एक अमिट छाप हो और वो टीकाकरण लेना न भूले। जैसे कि नारा है संपूर्ण टीकाकरण, संपूर्ण टीकाकरण का मतलब 5 साल में 7 बार टीका लेना है, एक भी टीका की डोज मिस नहीं करना है। हम लोग इसी क्रम में मैं यह कहना चाहूँगा 15 जनवरी से मीजल्स रूबेला कंपेन चालू करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग 10 टीका दे रहे हैं, 11वां टीका के रूप में रूबेला को हम लोग इस ग्रुप में शामिल करने जा रहे हैं। मीजल्स रूबेला के कारण मीजल्स रूबेला जैसी खतरनाक बीमारियों पर पूर्णतया काबू पाया जा सकेगा। अकेले रूबेला के कारण पूरे भारत में 10,000 बच्चे प्रतिवर्ष अंधापन के शिकार होते हैं, उसको दूर करना है। पूरे विश्व में 1,00,000 बच्चे अंधापन के शिकार होते हैं रूबेला के कारण, मीजल्स के कारण निमोनिया, डायरिया एवं कुपोषण के शिकार बच्चों को बचाना है, यह हम लोग का मेन ध्येय है। 5 सप्ताह का यह प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें कि चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार के 4 करोड़ बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। मेरा नाम अविनाश उज्ज्वल है, मैं यूनिसेफ के CAP सेक्शन में मीडिया सलाहकार हूँ। हमारा ये टीकू टॉक कार्यक्रम अपने 4th साल में है और इसमें ये एक एडवोकेसी एक्टिविटी है, जिसमें सभी तरह के लोगों के बीच में, सभी समूह धारकों के बीच में हम जाते हैं और संगीत, गाने, खेल और जादू के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के
खेलों, कस्टमाइज खेलों जिनको सिर्फ टीकाकरण के मैसेजेज के लिए बनाया गया है उनके माध्यम से जागरूक करते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, यूनिसेफ और इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के द्वारा किया जा रहा है। इस जिले में हमारी शुरुआत यहाँ हो रही है, इसके अलावा हम 4 और स्थानों पर करेंगे, अररिया में 2, नरपतगंज के प्रखंडों में और 1 फारबिसगंज में। उसके बाद ये कार्यक्रम गया और जमुई में आयोजित किए जाएंगे। कितने बच्चों का लक्ष्य सर? हमारा लक्ष्य जो है सो सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम के लक्ष्य के साथ ही है, हमारा कोई अलग से लक्ष्य नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग हर घर तक ये जानकारी पहुंचे, ये महत्व समझ पाएँ, हर गार्जियन, हर माँ, हर बाप, हर अभिभावक ये जान सके कि टीका उनके बच्चों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कितना महत्व है। मानसी शर्मा, जिलाधिकारी अररिया। मुझे प्रोग्राम जो आज ऑर्गेनाइज किया गया है टीकू टॉक, बेहद ही बेहतरीन और बेहद ही जो मैं इस बारे में कहूँगा कि बच्चों को या उनके माता पिता को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के मामले में बेहद ही संवेदनशील प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया, और मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि इन्होंने इस तरीके का एक स्ट्रीट प्ले के रूप में इस तरीके का प्रोग्राम डेवलप किया है। रेडियो मिर्ची के सहयोग से और पीडियाट्रिक एसोसिएशन के सहयोग से प्रोग्राम बनाया गया है, तो इससे हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिन क्षेत्रों में टीकाकरण को लेकर के जागरूकता नहीं है, जागरूकता आएगी, और जो स्पेशली टीकाकरण छोड़ने का मतलब पहला टीका लग गया उसके बाद जो ड्रॉप आउट्स हैं उसको घटाने में हम लोग को सहयोग मिलेगा, और एक अच्छे से बच्चों के लिए आकर्षक बना के इस तरीके से प्रोग्राम प्रेजेंट करना मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयास है टीकाकरण को इम्प्रूव। बिल्कुल तेरे पंखों में सारे सितारे जड़ों तेरी चूनर खनक सतरंगी बुनू तेरे काजल में मैं काली रहना बुनू तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप मलूं तेरे नैनों सजा दूं नया सपना ओरी चिड़िया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। आ गया है महालक्ष्मी ज्वेलर्स जिसका पता है ईटबी चौक। हर साल की तरह इस साल भी आपकी सेवा में धनतेरस एवं छठ का धमाका लेकर आपके शहर अररिया में। या दोस्तों, अररिया जिला का पहला हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जिसका नाम है महालक्ष्मी ज्वेलर्स। प्रिय ग्राहक, आपका प्यार और आशीर्वाद से
महालक्ष्मी ज्वेलर्स निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको दूसरे शहरों में जाकर जेवर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सोच है कि हम अपने शहर को बनाएं बेहतर। इसलिए हम लाए हैं भारत की सर्वोत्तम ब्रांड वर्ल्ड क्लास डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स। अपने मनपसंद डिजाइन एवं ऑनलाइन प्राइस देखें और प्राप्त करें हमारे शोरूम से ऑनलाइन प्राइस पर, क्योंकि हम लाए हैं ब्लू स्टोन डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स।